गोमुख कुंड राजस्थान के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले के पश्चिमी भाग में स्थित एक पवित्र जलाशय है। गोमुख का वास्तविक अर्थ गाय का मुख होता है। इस कुंड को चित्तौड़गढ़ का तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। चित्तौड़गढ़ किला भारत के किलों में सबसे बड़ा किला माना जाता है। ये राजस्थान के किलों में सबसे शानदार है। ये किला प्राचीन काल में मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया गया है। कहा जाता है कि किले का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था और 734 में इसका निर्माण सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले पर शताब्दी से 1568 तक राजपूतों ने राज किया, जिसके बाद 1567 में अकबर ने किले को घेर लिया था। 15-16वीं शताब्दी में किले को 3 बार लूटा गया था और इसे बचाने के लिए राजपूतों ने बहुत ही वीरता दिखाई थी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को घेर लिया और उसने राणा रतन सिंह को हरा दिया। राणा रतन सिंह की हार का पता चलते ही उनकी रानी पद्मिनी, सैनिकों की पत्नी और बच्चों ने जौहर कर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। महासतिया जौहर स्थल के पास में गोमुख कुंड है, जो कि चट्टानों में बना है और इसमें भूमिगत जल निरंतर झरने के रूप में शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। गोमुख कुंड में पानी चट्टानों की दरारों के बीच से बहता है, वो एक अवधि के पश्चात जलाशय में गिरता है। इस कुंड के जल को पवित्र माना जाता है। जब भी तीर्थ यात्री और भक्त विभिन्न हिंदू आध्यात्मिक स्थानों के दौरे पर जाते हैं, तो चित्तौड़गढ़ में आने के बाद वे अपनी पवित्र यात्रा के पूरा होने के लिए गोमुख कुंड आते हैं। इस कुंड का आकार दीर्घाकार है। इस छोटी प्राकृतिक गुफा से बिल्कुल स्वच्छ जल की भूमिगत धारा 12 महीने बहती है, पर यह जल कहाँ से आता है ये भी आश्चर्य की बात है। इस जलाशय के पास स्थित रानी बिंदर सुरंग भी एक मशहूर जगह है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये सुरंग एक भूमिगत कश की ओर जाती है, जहां चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ये भी कहा जाता है कि ये जलाशय पुराने समय में पानी का एक बड़ा स्तोत्र था। भगवान शिव का शिवलिंग उस बिंदु पर स्थित है जहां से पानी गिरता है। इस अनोखे दृश्य के अलावा लोग यहां प्राकृतिक सुंदरता भी देखने आते हैं। कहा जाता है कि पूरे शहर का शानदार दृश्य यहां से देखने को मिलता है।